हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ फन किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से बना सकते हैं चने और आलू की मसालेदार सब्जी। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सामग्री, यहाँ पे जो ली है आलू और चना, और यहाँ पे आप देखते हैं लाल मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन की कुछ के लिए और अदरक। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आलू और चने को हमने ले लिया है और इसमें हम लोग कुछ पानी डाल रहे हैं। इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है और अब इसको हम लोग यहाँ पे बॉईल करेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि बॉईल अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे नमक डाल सकते हैं आप जल्दी बॉइलिंग के लिए। और सामग्री मैंने जैसा आपको बताया, ये सामग्री आपको रखनी होगी। अब इसको हम लोग मिक्सी ग्राइंडर में इसको काट के अच्छे से डाल रहे हैं और इसको अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार करेंगे। दोस्तों, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है चने और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही मसालेदार टेस्टी सब्ज़ी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से इसमें डाल के पीसेंगे। दोस्तों, उबालने के बाद आप कढ़ाई को आपको लेना है, कढ़ाई को आपको तेज आंच पे पहले स्टार्ट में रख देना है। अब इसमें हम लोग तेल डालेंगे। कढ़ाई जब थोड़ी गर्म हो जाए तब आपको तेल डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू और चने जो है अच्छे से उबल गए हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू जो है अच्छे से उबल गए हैं। दोस्तों, अब हमने यहाँ पर तेल डाल दिया है, सरसों का यूज़ किया है तेल। हल्का सा तेल गर्म होने के बाद दोस्तों, अब इसमें हमने डाल दिया है जीरा, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा फ्लेम आ रहा है। यहाँ पे जीरा हमने डाल दिया है। अब इसमें एक तेज पत्ता हमने डाल दिया है, कड़ाई तेज पत्ता पूरा डाल दिया है इसमें। तेल गर्म होने के बाद आपको ये सामग्री डालना है। दोस्तों, ये पूरा पेस्ट है मसाले का जो बनाया है हमने, टमाटर और प्याज और सब लहसुन को अदरक को पीस के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं पेस्ट, एक कटोरी पेस्ट है दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनेगी, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी आपको मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट, दोस्तों काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। दोस्तों, अब पेस्ट को हमने डाल दिया है कढ़ाई में और इसको ऊपर से ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं, अब इसको अच्छे से हम लोग भूनना स्टार्ट करेंगे। तेल, जीरा, तेज पत्ता और ये मसाले का जो मिश्रण है इसको हम लोग अब अच्छे से भूज रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं भूजते रहना है अच्छे से। दोस्तों, आपको चलाते रहना है क्योंकि अच्छे से मसाला भूजेगा तभी सब्जी का स्वाद अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है और उसके बाद आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें हम लोग गर्म मसाला, तो हम लोग इसमें मिक्स मसाला और हल्दी डालेंगे। ये काफ़ी अच्छा फ्लेम हो गया है यहाँ पर, आपको अच्छे से फ्लेम। अब यहाँ पे मिक्स मसाला ही हमने ले लिया है। अब हल्दी इसमें मिला दे रहे हैं, मिक्स मसाले में हल्दी को। यहाँ पे देख सकते हैं हम धीमी आंच पर फ्लेम को रखा है। इस तरह से आपको अच्छे से मसाले को मिला लेना है, हल्दी और आप जो मिक्स मसाला है आप जो भी यूज़ करते हैं सब्जी के लिए आप अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। अब इसको हमने कढ़ाई में डाल दे रहे हैं, फिर आपको इसको अच्छे से चलाना है, इसे लगातार चलाते रहना है। थोड़ा सा वाटर लेके इसको अच्छे से मसाले को तैयार करना है, इसे चलाना है आपको चारों तरफ से। नमक अब आपको यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल देना है, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। मसाला आपको अच्छे से भूजना है, जितना अच्छे से मसाला आप भूजेंगे उतना ही स्वाद बढ़िया आएगा सब्जी का। और आलू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू हमारे तैयार हैं, आलू और चने। मसाला आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम लोग आलू और चने को मिश्रण इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए चना हमने इसमें अंदर डाल दिया है, उबले हुए चने, और इसको अच्छे से मिला ले रहे हैं। इसको और थोड़ा सा चने के साथ अच्छे से भूजेंगे, काफ़ी टेस्टी सब्जी दोस्तों तैयार हो रही है। अब इसमें हमने आलू डाल दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं अच्छे से भूजने के बाद अब इसमें आलू डाल सकते हैं। आलू आप कट के भी डाल सकते हैं, कट करके, और आप इस तरह से भी डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ आलू और चने की मसालेदार सूखी सब्जी बना रहे हैं, हल्के से तरी भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे।
इसको भी आपको चलाना है अच्छे से, आलू और चना और जो आपका मसाला पेस्ट है अच्छे से तैयार हो गया है, क्योंकि आलू और चना अच्छे से उबाल दिया था, जो सब्जी हमारी जल्दी से तैयार हो जाएगी। चलिए ठीक है, ज़्यादा मसाला ही दिख रहा है, खूब मसाला हो गया, लास्ट में मन कर तो नहीं कर, मसाला ढेर हो गया, जल्दी जल्दी नहीं आया, नहीं तनिक सीखना पड़ेगा ना अभी।